हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? ठीक है। तो स्कूल खुलने वाले हैं, स्टडी कंटिन्यू की कि नहीं? नहीं की तो करो, स्कूल खुलने वाले हैं और स्टडी कंटिन्यू करना है क्योंकि 12th बोर्ड है और यही आपके जीवन की महत्वपूर्ण परीक्षा है। ये आपको सही दिशा निर्देश देगी। ये बोर्ड एग्जाम के बाद आपका जो रिजल्ट होगा वो डिसाइड करेगा आप किस फील्ड में अपना फ्यूचर बनाओगे। इसके बाद ये एग्जाम अगर अच्छा रहा तो आप अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, और अगर ये एग्जाम आपका थोड़ा सा आपके अपेक्षाकृत परिणाम कम आया तो आपका मनोबल डाउन होगा और आप अच्छा परफॉर्मेंस अपने प्रोफेशनल लाइफ में नहीं दे पाओगे। खैर, ये तो लास्ट की बातें हैं, लेकिन लास्ट स्टार्टिंग से ही अच्छा बनाया जा सकता है। तो आइए, हम लोगों ने क्लास 12 पे एक्सरसाइज 5.3 के सॉल्यूशन पे बात की थी, इंट्रो और कुछ कुछ सॉल्यूशन आप लोगों को कुछ क्वेश्चन के शायद 1 to 4 के मैं करा पाया था। अब आगे के क्वेश्चंस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें इस चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9 से 44 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पे लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने ITF पे बात की थी, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कैसे, तो उनके क्या फार्मूले होते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो उसी के लिए आगे चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है, x² + xy + y² = 100। इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो क्या बताया था मैंने, सबसे पहले आपको लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या मतलब, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष जब अवकलन आप करेंगे तो d/dx x² + xy + y² = d/dx 100। और बच्चों, जैसे आपसे कोई कहे कि t के सापेक्ष अवकलन करो तो d/dt हो जाएगा, कोई कहे p के सापेक्ष करो तो d/dp हो जाएगा, तो उससे भ्रमित नहीं होना है। इस तरह लिखने में किसी को कोई परेशानी तो होगी नहीं। अब क्या करना है, ये यहाँ तीन फंक्शंस का एडिशन है तो तीनों को अलग अलग कर लेना है। देखिए, लिखेंगे आप d/dx x² + dy/dx (xy) + dy/dx (y² = d/dx 100। 100 एक कांस्टेंट है और मैंने बताया था, नहीं याद है आपको फिर समझ लीजिए, किसी भी संख्या का अवकलन शून्य होता है, किसी भी संख्या का अवकलन डिफ्रेंसिएशन शून्य होता है। तो यहाँ जीरो लिख दिया। अब x² का अवकलन, जल्दी फार्मूला याद करो, x^n वाला एन x^n-1, याद आया, बताया था ना? ठीक है, तो इस फार्मूले में एन की वैल्यू क्या है, 2 है, एक्स एक्स ही है, तो क्या हो जाएगा, 2 और x^2-1 यानी कि 2x। d/dx (xy), चलो याद करो, दो फंक्शन का यूवी का प्रोडक्ट बताया था, क्या होता है d/dx (uv) होता है u'v + uv'। यानी कि फर्स्ट फलन का अवकलन गुणे द्वितीय फलन प्लस प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन है x, सेकंड फंक्शन है y, तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का अवकलन यानी कि x का अवकलन d/dx (x) और सेकंड फंक्शन एज इट इज y प्लस फर्स्ट फंक्शन x और सेकंड फलन y यानी कि dy/dx। तो यहाँ से क्या मिलेगा, d/dx x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ y मिला और x dy/dx ये आया इस एक्स वाई का d/dx। ये तो नोट कर लीजिए, y + x dy/dx + y² का करना है, तो इसी फार्मूले से होगा। y² का अवकलन क्या होता है,
वाई स्क्वायर के लिए आप सबसे पहले 2y लिखेंगे, लेकिन y यहाँ पर x की जगह y आया है, तो इसका फिर से चैन रूल से कराएंगे, dy by dx हो जाएगा। तो 2y dy by dx यहाँ आ गया, 2y dy by dx हमें अवकलन करना है। तो dy by dx वाले टर्म एक तरफ और x वाला एक तरफ करना है। x देखो इन दोनों को उधर भेज देंगे, ये एक तरफ रखेंगे, तो यहाँ कॉमन हो जाएगा dy by dx और यहाँ बचा आपके पास x plus 2y equal to ये इधर आए तो minus 2x minus y और ये दोनों गुणे में हैं, इधर आ गए बटे में, तो dy by dx equal to minus 2x minus sorry plus y upon x plus 2y, ये इसका आंसर, चेक कर लो जरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x cube plus x square y plus x y square plus y cube equal 81। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इंग्लिश में क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ पर देखिए ये है पूरा, इसमें चार फलन है एक साथ, चार फलनों का एडिशन है इसमें, तो सेम है यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो लिखना है डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स 81। अच्छा ये तो देख के समझ गए। इसके बाद इसका फर्स्ट फलन एज इट इज x और 2y स्क्वायर का हो जाएगा इंटू 2y dy by dx, ठीक है। तो ये रहा आपका अवकलन किसका, xy स्क्वायर का, यहाँ लिखना है आपको y स्क्वायर प्लस 2xy dy by dx, इसको नीचे लिख लो, ये वाले फंक्शन को थोड़ा सा नीचे लिख लो, प्लस ये लिख लिया वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 और ये इधर आएंगे तो माइनस में 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर। अब इसमें dy by dx कॉमन, dy by dx कॉमन लिया तो क्या बचा, बचा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से लिख लो माइनस कॉमन लिया तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएंगे dy by dx इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब नीचे x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये आंसर, चेक कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के। अब देखिए इसमें क्या है, x के सापेक्ष या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ हिंदी में लिख दिया या इंग्लिश में, तो जिसको जो लगे वो लिख सकता है, जिसको जिसमें प्रॉब्लम ना हो, जिसे आसानी लगे, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। तो डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स की। अब साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई
साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई, बार बार पीछे इसलिए देखना पड़ता है, कभी कभी क्या होता है कि वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड होते होते कैमरा वीडियो रिकॉर्ड करना बंद कर देता है, तो अभी मैंने क्वेश्चन कराया ये हो गया था, इसको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा, तो कैमरा बंद था, फिर बाद में पता चला कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो साइन स्क्वायर वाई कॉस एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स के, अब डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई, तो साइन स्क्वायर वाई यानी कि साइन वाई, जिसको देखो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, साइन स्क्वायर वाई क्या ये साइन वाई का होल स्क्वायर इस फॉर्मेट में है, मतलब कि ये एक्स की पावर एन का फार्मूला लगेगा, एक्स की पावर एन का फार्मूला लगेगा तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, एक्स की पावर एन का फार्मूला एन एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो साइन वाई का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा टू साइन वाई, अब एक्स की जगह साइन वाई था तो साइन वाई का चैन रूल से फिर कराएंगे तो साइन वाई का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस वाई हो जाएगा, फिर इसके बाद वाई के प्लेस पर यहाँ एक्स के प्लेस पर वाई है तो वाई का फिर से कराएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर इसके बाद अब इसका कराया तो कॉस वाई का क्या हो जाएगा अवकलन माइनस का साइन वाई, और कॉस एक्स वाई है तो माइनस साइन एक्स वाई हो जाएगा। अब इसके बाद एक्स वाई के प्लेस पर यहाँ पर एक्स होना चाहिए तो एक्स वाई है, चैन रूल से एक्स वाई का फिर से कराएंगे तो एक्स वाई का क्या होगा एक्स वाई का अवकलन क्या हो जाएगा एक्स डैश यानी कि वन वाई प्लस वाई का क्या होगा सेकेंड क्या होता है यू डैश वी प्लस यू वी डैश, तो यहाँ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ आपको लिखना है y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये, और ये क्या है डी वाई डी एक्स के यानी कि कॉन्स्टेंट यानी कि जीरो, ये समझ में आया, आप इसका अवकलन अलग से करके चेक करना ये आ रहा है कि नहीं, तब आपको समझ में आएगा कि ये है क्या, ये कैसे आया, फिर से देख लो साइन स्क्वायर वाई है, साइन स्क्वायर वाई मैंने बताया साइन वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, साइन वाई का होल स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर एन का फार्मूला, एन की वैल्यू जहाँ पे क्या है टू है, अब जब वैल्यू टू है तो टू पहले आ गया और साइन वाई का और साइन वाई कहाँ से आया एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन, पावर टू थी माइनस वन हुआ तो साइन वाई आया, फिर इसके बाद यहाँ पर x की प्लेस पर साइन है तो साइन का अवकलन फिर कराया कॉस वाई, अब यहाँ पर x की प्लेस पर y है तो y का अवकलन फिर कराया डी वाई बाई डी एक्स, कॉस एक्स वाई का सेम है इसी तरह आपको लिखना है, यहाँ इसको थोड़ा सेपरेट कर लो ब्रैकेट से अलग, ये दो ब्रैकेट में इसको बंद कर लो ऐसे, क्यों क्योंकि इसका मल्टीप्लाई भी तो होगा अभी, अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का यहाँ माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दो टू साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस इसका इसमें कराया तो क्या आ जाएगा माइनस वाई वाई साइन एक्स वाई, फिर इसका इसमें कराया तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स वाई, और x पहले आ जाएगा x ये वाला x पहले माइनस यहाँ पे साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को हमको सेपरेट करना है, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स के अतिरिक्त ये टर्म बचा तो इसको उधर भेज दो, तो यहाँ बचेगा टू साइन वाई कॉस वाई, किसका फार्मूला जरा याद करो साइन टू वाई इक्वल टू टू साइन वाई कॉस वाई, क्लास इलेवेंथ का याद है भूल गए, साइन टू वाई का फार्मूला क्या होता है टू साइन वाई कॉस वाई, तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं इसके प्लेस पर लिख सकते हैं साइन टू वाई, वाई के प्लेस पर एक्स होता तो एक्स रख देते, तो यहाँ साइन टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये उधर जाएगा ये बचेगा माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई,
ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद इसमें dy by dx कॉमन लिया, dy by dx साइन 2i कॉमन लेने पर माइनस x साइन xy इक्वल टू y साइन xy, ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएंगे डिवाइड में। dy by dx इक्वल टू y साइन xy अपॉन साइन 2i माइनस x साइन xy, ये इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो आपको लेना हो, और तो आप लोग खाली वीडियो देख के चले जाते हो, कुछ बताते रही हो कि समझ में, थोड़ा सा सपोर्ट करो, हेल्प करो, जहाँ आपको समझ में नहीं आया मुझे अपनी प्रॉब्लम पहुँचाओ, यदि मुझे अपना मानते हो, नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, देखो और चले जाओ बस। हाँ, किसी ना किसी प्रकार से ये आपके हेल्प आना चाहिए जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बच्चों, जो हो सकता है मैं वो प्रयास करके कंटेंट में आप लोगों को कमी नहीं होने दूंगा। जो अदर सेटअप क्वालिटी में थोड़ा बहुत अगर कमी रह जाए तो नहीं कहता, लेकिन मैं पूरा प्रयास करके मेरी टीम कंटेंट में कहीं कोई कमी नहीं होने देगी। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल 1, ये वो वाली आइडेंटिटी नहीं है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए था उसके लिए, लेकिन हमें इसमें क्या करना है, अवकलन करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, क्या एक्स के सापेक्ष, यानी कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1। अब साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, वही एक्स की पावर एन वाले फार्मूले से, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग साइन एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू साइन एक्स प्लस, यहाँ फार्मूला तो पता है ना, क्या होता है फार्मूला, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, अब तक याद हो गया होगा, फिर प्लस इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, टू कॉस वाई, एक मिनट, हाँ टू कॉस वाई, और कॉस वाई का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई, और वाई का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, डी बाई डी एक्स 1 का 0। अब टू साइन एक्स, और इस साइन एक्स को उधर भेज दीजिए, ये डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म इधर रखिए, तो यहाँ आ जाएगा माइनस टू साइन वाई कॉस वाई, ज़रा देखिए, साइन वाई कॉस वाई टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू साइन एक्स, वो भी कौन से साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, ये अब इधर आ जाएगा बटे में, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टू साइन एक्स अपॉन माइनस साइन टू साइन वाई कॉस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स माइनस माइनस इलिमिनेट कट गए, टू साइन एक्स अपॉन साइन टू वाई, टू टू काटना हो काट सकते हैं, लेकिन इससे ये आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई, ये आंसर हो गया, चेक कर लो। इसमें ये बेटा ITF का क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो इसको करने से पहले थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, क्या आपके पास चैप्टर सेकंड में होता क्या है, साइन इनवर्स साइन थीटा यदि होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, थीटा, यानी कि साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाता है ये। तो जरा देखो, ये क्वेश्चन है,
इसका अवकलन करने के लिए करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन इसका जब आप पहले साइन इनवर्स का कराओगे और फिर इसके बाद इसका जब कराओगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन पड़ेगा। तो इसमें अपना कुछ माइंड सेटअप आपको करना है, ये तो पता ही है, ये चैप्टर सेकंड में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो देख लो। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ऐसा क्या आप एक्स के प्लेस पे लाए या ऐसा क्या चेंजमेंट कर दें कि यहाँ पर साइन आ जाए, साइन आ जाए तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे और थीटा की वैल्यू रख लेंगे। तो जरा देखो, आपको ये पता है साइन 2 थीटा का एक फार्मूला क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था? 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan square थीटा, याद आया कुछ? साइन 2 थीटा का एक तो ये वाला पढ़ा था, 2 sin y cos y, और दूसरा ये 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan square थीटा। इसका मतलब यदि हम x के प्लेस पर tan थीटा रख दें तो यहाँ साइन 2 थीटा आ जाएगा, साइन साइन एलिमिनेट, 2 थीटा को सिर्फ आपको डिफ्रेंशिएट करना रहेगा। तो अब लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे? लेट बी पुट x इक्वल टू tan थीटा, और अगर x इक्वल टू tan थीटा है तो क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। देखो, देखना जरा, ये tan इधर आ गया तो tan इनवर्स x हो गया, थीटा इक्वल tan इनवर्स x। इसकी आवश्यकता अभी नहीं, आगे पड़ेगी, लास्ट में जब वैल्यू आपको रखनी होगी। तो पुट x इक्वल टू tan थीटा, यहाँ पर आपने रखा y इक्वल साइन इनवर्स। अभी हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन को इजी बना रहे हैं। साइन इनवर्स 2 tan थीटा, x की जगह क्या रखना है? tan थीटा, tan थीटा अपॉन 1 plus tan square थीटा। थोड़ा सा टी और प्लस में आप लोग गैफ करना, क्योंकि मेरा टी और प्लस बिल्कुल एक जैसा बन रहा है ये। चलो टी ऐसे कर दिया, ऐसे। अब ये किसका फार्मूला अभी बताया मैंने आपको, किसका है? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, वाई इक्वल टू साइन साइन हटा, 2 थीटा बचा। अब देखो, बताया था ना थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ थीटा की वैल्यू रखेंगे। वाई इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करा दो, लिखना है डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है? dy बाई डी एक्स, और ये कांस्टेंट है, तो यहाँ आ गया 2 dy dx tan इनवर्स x। याद करो पिछले लास्ट वीडियो में tan इनवर्स x का अवकलन का फार्मूला बताया था, याद करो जल्दी से। tan इनवर्स x का अवकलन dy dx क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, याद आया? तो इसकी जगह उठा के ये रख देना है, dy/dx इक्वल टू क्या? 2 into 1 अपॉन, या सीधा 2 into 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इसका आंसर। देखिए, चेक करिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 10B ITF का है, और इसमें जो डाटा इधर गिवेन है उससे बहुत परेशान नहीं होना, मैं बता रहा हूँ क्या है। पहले तो क्वेश्चन, y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x-x³ और 1-3x² इसका यूज नहीं होना, लेकिन ये क्यों दिया है वो देखिए। देखिए, अगर आपको पता है किसी भी फंक्शन या किसी भी नंबर के अपॉन में 0 आ जाता है, जैसे x/0 लिखा है, तो ये वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, इनडिफिनिट इनडिफिनिट या इनडिफाइंड हो जाती है। तो जरा नीचे वाला टर्म देखो, 1-3x², अगर यहाँ पर 1-1/√3 हो जाए x की जगह पर, 1-3 into -1/√3,
का स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 3, 3 3 कट गया, 1 माइनस 1 0, मतलब 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके बटे में 0 आ गया, मतलब यह अपरिभाषित हो गया, डिफाइंड नहीं हुआ, तो इसीलिए वैल्यू दी है। अब अगर ये है, मान लो प्लस का 1 अपॉन रूट 3 आ जाए, क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 3, इससे इससे भी कट, रूट 3 का स्क्वायर 3, ये कट गया, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से भी 0 हो गया, मतलब ये इनडिफाइंड हो गया। तो इसमें आपको इस डाटा का यूज नहीं करना, लेकिन ये क्या है वो आपको समझना है। आप देखिए ये इसका मतलब क्या है, मीन्स x की वैल्यू इन दोनों वैल्यूओं के बीच में ही होगी, x की वैल्यू ये दोनों नहीं हो सकती, इन दोनों के बीच में होगी। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन में, ये कैसे, ये क्यों दिया है, किस लिए दिया, ये समझ गए, इसका यूज क्वेश्चन में होना नहीं है, लेकिन बिना इसके ये क्वेश्चन अनकम्प्लीट है। अब देखिए ITF है, तो मैंने क्या बताया था, tan इनवर्स है यहाँ पर, तो tan इनवर्स है, यहाँ अगर tan लिया है तो हमारा काम इजी हो जाएगा। काम इजी करने के लिए दिमाग लगाओ, आपको अगर याद हो तो tan 3 थीटा का फार्मूला क्लास 11th में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो देख लो, जाकर बुक में रखी होगी उसमें देख लेना, मिल जाएगा, और नहीं देखना, इतनी भी मेहनत नहीं करनी, तो यही देख लो, मैं लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए tan 3 थीटा क्या होता है, 3 tan x tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, याद है, नोट कर लो, जरूरी है, और हर क्वेश्चन में ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जरूर यूज करनी। अभी तो जैसे तैसे, तो आप अवकलन में डिफ्रेंसिएशन में तो बिना फार्मूले लर्न किए आप क्वेश्चन कर ले रहे हो, लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री आपने मेंटेन नहीं की, फार्मूले नहीं प्रिपेयर किए, तो समाकलन में आपको बहुत दिक्कत उठानी पड़ेगी। यहाँ घर में तो आप कर लोगे, लेकिन एग्जाम में बिना ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी ट्रिग्नोमेट्री वीक है, फार्मूले उसको तैयार नहीं है, तो उसको समाकलन बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। कई टॉपिक ऐसे हैं जिनमें बिना ट्रिग्नोमेट्री काम नहीं चलेगा, तो उसको करना कैसे है, आपको रटना नहीं है, आप जब क्वेश्चन करो तो अपने फार्मूले को आप एक बार तो क्वेश्चन में लिखो, दो तीन बार आप देख देख के लिखो, अपने मन से जो फार्मूला याद हो, नोट हो, यूज हो जाए, उसको आपको देख देख के कई बार लिखने की प्रैक्टिस करना। ये नहीं कि सारे फार्मूले लिख लिए और रट्टा मारना शुरू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बाद साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, इस तरह रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारोगे तो फिर काम सब गड़बड़ हो जाएगा। आप जो फार्मूला यूज हो बस उसी को अच्छे से माइंड में प्रिपेयर करना है, खाली बैठे तो आप रिमाइंड करते रहो। ये फार्मूला याद आया, तो अगर हम यहाँ पर एक्स के प्लेस पर टेन पुट कर दें, टेन पुट कर दें तो यहाँ टेन थ्री थीटा आ जाएगा और टेन टेन एलिमिनेट हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, समझ में आया, tan इनवर्स x, tan इनवर्स, जैसे यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता, क्या अगर यहाँ पर लिख देता कि पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो आपके मन में 20 क्वेश्चन आते, यही क्यों लिखना है, साइन क्यों नहीं लिख सकते, कॉस क्यों नहीं लिख सकते, तो आप परेशान ना हो, जो आवश्यक रिक्वायरमेंट होगा आगे पीछे का वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। अब देखिए पुट x इक्वल टू tan थीटा रख दिया, y इक्वल tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब y इक्वल, अब इससे पता चल गया क्या किसका फार्मूला है, tan इनवर्स tan 3 थीटा और tan से tan eliminate, तो y इक्वल टू tan tan eliminate 3 थीटा आया। अभी जैसे इस क्वेश्चन में थीटा की जगह पर ये वैल्यू रखी थी, वैसे यहाँ पर निकालो थीटा की वैल्यू, y इक्वल टू 3 इंटू थीटा की जगह क्या लिखेंगे, लिखेंगे tan इनवर्स x,
टेन इनवर्स एक्स, ये टेन इधर आ जाएगा तो टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का अवकलन अभी जैसे इसमें लिखा वैसे इसमें भी थ्री इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि थ्री अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। चेक कर लो आंसर, यही आ रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो।